ये हमारी कैटेगरी है हमारे हेल्थ केयर हीरोज के नाम, और यकीनन इन ऑर्गेनाइजेशंस को हमने एक्नॉलेज करना है। ये अवार्ड्स देने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रॉम टीम के इलेक्ट्रिक दावत देना चाहेंगे द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ के इलेक्ट्रिक मिस्टर आमिर गाजियानी। शुरुआत करते हैं पब्लिक हेल्थ कैटेगरी की एक ऐसे इदारे, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो यकीनन फ़ख्रे कराची है। टीनो, वैसे तो ये पाकिस्तान के तमाम ही शहरों और अजला में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ नौयत का काम हो रहा है, बट वी टेक प्राइड इन देयर अपकमिंग न्यू बिल्डिंग द एक्सपेंडेड हॉस्पिटल हेयर इन कराची। फ्रॉम द इंडस हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मशहूद रिजवी, और उनके साथ तशरीफ ला रही हैं रायना रिया। अमेजिंग बात इस अस्पताल की ये है कि इसमें कोई कैश काउंटर ही नहीं है, सो एनीबॉडी कैन वॉक इन एंड गेट क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। कराची इलेक्ट्रिक से इंडस का लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, और इस वाला अस्पताल जो अभी चल रहा है, जो कि ओनली 300 बेड्स पे है, और जो 1350 बेड्स पे जाएगा इंशाल्लाह, वो भी कराची इलेक्ट्रिक के बगैर मुमकिन नहीं है। हमारी इनसे नेगोशिएशंस हैं, ये हमें बहुत चैरिटी भी प्रोवाइड करते हैं और हमको टेक्निकल असिस्टेंस भी दे रहे हैं। हमारा जो एनर्जी सेंटर बन रहा है, इट्स बीन अ जर्नी ऑफ ऑलमोस्ट 13 इयर्स, बट वी हैव बीन रिलाइंग ऑन द गुडविल ऑफ आवर डोनर्स एंड आवर सपोर्टर्स। वी वुड नॉट बी हियर टुडे विदाउट ऑल ऑफ आवर डोनर्स। आई लाइक टू थैंक देम अ लॉट बिकॉज़ दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर विजन। हमारी कैटेगरी है पब्लिक हेल्थ केयर कैटेगरी, इसमें जो सेकंड विनर हैं यकीनन इनकी भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैसिव है। LRBT का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन गिविंग क्वालिटी आई केयर सर्विसेज एंड हेल्थ फॉर ऑल दी अफेक्टीज, चाहे वो किसी भी तबके से क्यों ना ताल्लुक रखते हों। बिल्कुल, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दावत देना चाहेंगे स्टेज पर नजम साकिब हमीद साहब, हु इज़ द चेयरमैन LRBT। NRBT is a charity which we treat 3.3 million patients every year. Okay? We treat them free of cost. So the consequence of this is that we require every little bit of money that we can get. So aapke award ka jo significance hai wo ye hai ki ek to recognition hai. I mean a reputable organization like KE is recognizing the work that you've done. And of course, we've been in partnership with KE for about 7 years, and it's been a very successful partnership. तो अब वक्त हुआ है हमारे अगले विनर का इन द पब्लिक हेल्थ सेक्टर कैटेगरी। हम यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहेंगे बैतुल सुकून कैंसर हॉस्पिटल को, जो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस और ट्रीटमेंट के लिए अनथक कोशिशें कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जैनब इब्राहिम साहिबा, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक एजुकेशन आएगा और जब तक अवेयर तब होंगे। तो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट इज कैंसर और कब आना है। कैंसर का इनिशियल स्टेज पे अगर आ गए तो पकड़ा जाएगा। और अब बारी है हमारे अगले विनर की इन द पब्लिक हेल्थ कैटेगरी। हम यहाँ बात कर रहे हैं द वंडरफुल फातिमीद फाउंडेशन की, और यहाँ इस अवार्ड को रिसीव करने कौन आ रहा है। बिल्कुल, फातिमीद फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करने आ रही है डॉक्टर शबनीज हुसैन, हु इज द मेडिकल डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट हीमेटोलॉजिस्ट. Something that is absolutely preventable or iski prenatal diagnosis ho sakti hai. Shabneez, kya kehna chahenge? So first of all, I'll just say it's a dream of Fatmeet not to only manage thalassemia, it is to prevent thalassemia. It's totally preventable. The vision of Fatmeet from the beginning was thalassemia prevention, so we actually pitched in the project of thalassemia prevention. We had actually gotten a grant previously as well for this project. We had the HR, we needed further resources to actually propagate it further to other areas of Karachi. So I guess that's what it's all about, and I think it's a pleasure because we will be preventing thalassemia, not only managing it. So we'd like to acknowledge the wonderful work by the Child Life Foundation, jo ki ye baat yakeeni banata hai ki har bacche ko bar waqt tibbi imdad mile in the emergency rooms. To unke is kaam ke liye hum unko acknowledge karna chahenge aur is award ko yahan pe receive karne ke liye daawat dena chahenge the CEO of Child Life Foundation, एहसन रब्बानी, और आप ही के साथ तशरीफ ला रहे हैं द डायरेक्टर कम्युनिकेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ताबिश हजार। हुकूमत का बहुत बड़ा रोल है, मुखय्यर हजरात का बहुत बड़ा रोल है, और उन 30 लाख माओं की दुआओं का रोल है जो जिनकी वजह से आज हम ये काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह ये काम कराची से शुरू हुआ और आज सिंध और बलूचिस्तान के 33 हॉस्पिटल तक पहुंच चुका है और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में इंशाल्लाह पहुंचेगा। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट KE फॉर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव, बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी अच्छा काम कर रही हैं,
बट देर न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छा काम करना चाहती हैं बट दे डोंट हैव द काइंड ऑफ रिसोर्सेज देर आर रिक्वायर्ड सो के ही इज सपोर्टिंग देम सो थैंक्स अ लॉट के ही पाकिस्तान का शुमार अभी भी उन ममालिक में होता है जहाँ पे मदर एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी सबसे हाईएस्ट है और हम बताते चलें आपको कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए जो सपोर्ट है उसमें 10 अंडरसर्व्ड एरिया से आने वाली खवातीन यानी जो माएँ हैं और 150 से ज़्यादा न्यू बॉर्न्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना है तो आइए इस अवार्ड के रेसिपिएंट फ्रॉम द लेडी डफरिन हॉस्पिटल यहाँ पर दावत देना चाहेंगे वन ऑफ द फॉरमोस्ट डॉक्टर्स ऑफ पाकिस्तान प्रोमिनेंट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड डॉक्टर ज़रियाब सेकना Thank you. Lady Dufferin has been functioning for the last 110 years, maybe more. And usme we've been supporting and taking care of the women and children of our society. And this is only possible thanks to major organizations, KEE being one of our biggest sponsors. And we are extremely grateful for the amazing work they are doing for the city and for the society.